हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जैसे आप देख रहे हो थंबनेल और आपने देखा होगा टाइटल कि आज मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स यानी स्टैटिक्स कॉमर्स पार्ट टू, यानी कि उसका हम अभी लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप फटाफट मेरे चैनल पे जाइए, फटाफट देख लीजिए। और बहुत सारे मैंने कंटेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट के मैंने वीडियो अपलोड किए भी है और करने भी वाला हूँ आपको, ताकि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, न्यू सब्जेक्ट जो आपके मार्केट में है, वो आपको मैं सही तरीके से प्रोवाइड कर सकूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है आपका कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ठीक है, बेसिकली कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट होता क्या है ये हम समझेंगे पहले, इसका मीनिंग, देन उसके बाद हम आएंगे उसके मेन कॉन्सेप्ट पे। तो हमें क्या सीखना है ये पूरे चैप्टर में कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपके लेक्चर भी कंप्लीट होते रहेंगे, ताकि जैसे आप कॉलेज में जाओ तो आपको सब कुछ मिल जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम कमीशन ब्रोकरेज क्या होता है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, ये समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कमीशन एंड ब्रोकरेज एजेंट, यहाँ पर एजेंट लिखा हुआ है। एजेंट क्या होता है, बहुत सारे हमें क्वेश्चन आते हैं कि एजेंट क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपको देखो, व्हेन ट्रांजेक्शन लाइक परचेज सेल्स ऑकेशन एसेट्रा आर डन थ्रू सम मिडल मैन, सच मिडल मैन आर कॉल्ड द एजेंट। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी करते हैं जैसे बाइंग या सेलिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे गुड्स जो होते हैं जिसके लिए हमें मिडल मैन की ज़रूरत होती है, तो उसको हम जब एज ए मिडल मैन यूज़ करते हैं, तो हमें उसको सर्विस यानी कि उसके जो भी सर्विस होती है उसको पे करना होता है, उसी सर्विस को हम क्या बोल सकते हैं, या तो कमीशन बोल सकते हैं या तो ब्रोकरेज बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ब्रैकेट में आपको बताया कि कमीशन किसे बोलते हैं, द चार्ज पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन यानी कि जो परचेस कर रहे हैं या तो जो सेल कर रहा है उसके बिहाफ में वो काम करता है, तो क्या किया जाता है उसको हम एज ए की सर्विस पे करते हैं, तो उसी सर्विस को हम क्या बोलते हैं, कमीशन। आई होप आपको समझा हुआ कि कमीशन क्या होता है। प्रिंसिपल, बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल समझ लेते, होता क्या है, प्रिंसिपल रिफर्स टू एन इंडिविजुअल पार्टी और पार्टीज, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांजेक्शन। यहाँ पे प्रिंसिपल में कोई भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, ये डिसाइडेड नहीं है, तो बहुत सारे होंगे, तो जिस पर्सन जो पर्सन एजेंट का काम कर रहा है उसको बहुत सारी अर्निंग होगी, और अगर एक दो होंगे तो बहुत उसको कम अर्निंग होगी, उसकी प्रॉफिट कम होंगे। तो बेसिकली ये कमीशन एंड ब्रोकरेज एजेंट के बारे में मैंने बताया कि बेसिकली एजेंट क्या होता है, और जो एजेंट काम करता है अदर पर्सन के लिए तो वो अपनी सर्विस चार्ज करता है, उस सर्विस को हम कमीशन या तो ब्रोकरेज बोल सकते हैं, इट इज़ डिपेंडेड। ठीक है, इसको तो हम आगे और समझेंगे, फटाफट देखते हैं कि आगे और क्या क्या कंटेंट है, देन इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे। कमीशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है, द चार्ज पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग द वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल इज कॉल्ड कमीशन। ये मैंने आपको अभी बता दिया था इससे पहले कि प्रिंसिपल क्या होता है, अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है तो उसको हम पे करते हैं, तो उसको कमीशन बोलते हैं। द कमीशन ऑन द रेमुनरेशन पेड टू द एजेंट इज जनरली फिक्स्ड एज सम परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन एजेंट चार्ज कमीशन 5% ऑन द सेल्स, देन इन द ट्रांजेक्शन ऑफ ₹15,000 ऑन द एजेंट विल गेट अ कमीशन ऑफ ₹750 एज अलाउड। ठीक है, उसका वर्किंग करके दिया गया है आपको, तो कमीशन आई होप आपको समझिए कि कमीशन और रेमुनरेशन क्या होता है, फिक्स अमाउंट या फिक्स परसेंटेज पे हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं और उसको पे करते हैं उस पर्सन को जो अपने बिहाफ में काम करता है। अगर मैं कुछ परचेज करता हूँ और किसी पर्सन को मैंने हायर किया है एज एन एजेंट, तो उसको मैं फिक्स अमाउंट या फिक्स रेट पे क्या करूँगा, उसको पे करूँगा मैं, तो जब मैं पे करूँगा तो बन जाएगा उसका कमीशन। ठीक है, बिकॉज वो कमीशन अर्न कर रहा है। तो ये कमीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने यहाँ पे आप दे सकते हो, यहाँ पे गिवन भी है 15,000 × 5%, तो 750 उसको मुझे पे करना पड़ेगा। कमीशन में बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एजेंट नेम अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। तो कमीशन में टाइप आता है और उसमें बहुत सारे स्पेशलाइज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको पे करते हैं। कभी कभी हम उसको कमीशन भी बोलते हैं और कभी कभी हम उसको ब्रोकरेज भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पार्ट टू में, तो हम यही सीखेंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यानी कि मैं आपको तीन तरीके से बताऊंगा, सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व एग्जांपल एंड मिसलिनियस, ऐसे मैं तीन कॉन्सेप्ट पे आपको पूरा
सब्जेक्ट कवर करवा के दूंगा, यानी कि पूरा चैप्टर आपको मैं दूंगा। आई होप मेरे वीडियो को आप लाइक कर रहे हो। तो आइए अभी आते स्पेशलाइजेशन के बेस पे एजेंट को आइडेंटिफाई करना। पहले आपको गिवेन है कमीशन एजेंट, ठीक है। अभी कमीशन एजेंट मैंने आपको बता दिया, तो इसमें मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मैं आता हूँ सीधा ब्रोकरेज पे। ब्रोकरेज या ब्रोकर, यहाँ पे ब्रोकर दिया है, दैट इज़ में ये एजेंट का नाम है। तो ब्रोकरेज के बेस पे ब्रोकर बनता है। तो ब्रोकर क्या होता है कि ये भी एक तरह का एजेंट ही है। ब्रिंग टूगेदर द बायर एंड द सेलर फॉर द पर्पस ऑफ द परचेस और सेल। द कमीशन, दिस कमीशन इज कॉल्ड ब्रोकरेज एंड इज चार्ज टू बोथ द पार्टीज़। कमीशन में क्या होता है कि एक ही पार्टी पे करता है, लेकिन ब्रोकरेज में क्या होता है कि दोनों पार्टी पे करते हैं ब्रोकर को। और ये जो ब्रोकर होता है वो दोनों साइड से काम करता है। अगर आपको बाइंग करना, सेलिंग करना है, तो भी वो बाय भी करवा के देगा आपको और सेल करवा के भी देगा। मतलब कि ये दोनों पार्टी के थ्रू ये वर्क करता है और दोनों पार्टी से अपना फीस चार्ज करता है। और इनका इसका क्या होता है कि सेम अमाउंट होता है, यानी कि रेट भी सेम अपना लेता है दोनों तरफ से। तो वो जैसे कि मोस्ट ऑफ द आप सुने होंगे कभी कि आपका जो ये कमरा हो गया रेंट, और इसको सेल करना है और किसी को परचेस करना है। तो जो आपका घर है या जो आपका रूम है, उसको आप जब सेल करते हो या किसी से बाय करते हो, तो वो बीच में एक एजेंट वर्क करता है, क्योंकि उसको सब नॉलेज होता है कि कहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग चालू है और इजीली उसको मालूम होता है। तो इसीलिए हमें हार्ड वर्क ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। तो बेसिकली ये ब्रोकरेज होता है जो दोनों तरफ से अर्न करता है, लेकिन कमीशन एक ही तरफ से अर्न होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कमीशन एजेंट एंड ब्रोकर का, ये कमीशन का ही टाइप है। आते अभी आगे ओकेशनियल, ठीक है। ओकेशनियल ये बेसिकली ये भी एक एजेंट है जो सेल करता है। जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी होगी या बहुत सारा ऐसा ओकेशन होता है जहाँ पे पेंटिंग कभी कभी सेल करते हैं, कभी कुछ और सेल करते हैं। तो ये ओकेशनियल करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बिडिंग करते हैं। जैसे आपने वेलकम देखा होगा, तो उसमें अक्षय कुमार भी सेल करता है पेंटिंग। तो ये जो हो गया, तो ये ओकेशनल का पार्ट हो गया, ठीक है। जहाँ पे बिडिंग करते हैं, हम बोली लगाते हैं, तो बोली लगाते ही लगाने के बेस पे ही हम उसको सेलिंग करते हैं। फैक्टर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फैक्टर इज एन एजेंट हु इज़ गिवेन द पोसेशन ऑफ गुड्स एंड एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स इन हिज हर ओन नेम, ठीक है। फैक्टर क्या होता है बेसिकली, फैक्टर दैट इज में ये भी एक तरह का एजेंट का काम करता है। ये अपने प्रोफेशनल, ठीक है, पोसेशन के बेस पे होता है, ठीक है। पोसेशन ऑफ अ गुड्स एंड एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ये इंटर होता है, ठीक है। सेल करने के लिए किसी चीज़ को या खुद का बोलते हैं हर ओन नेम भी सेल होता है यहाँ पे। जैसे कि रिलायंस हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ब्रांड अगर किसी के सामने आती है या किसी को नाम देती है, जैसे कि एक सुपरस्टार जिसको हम बोलते हैं अमिताभ बच्चन, उनका नाम भी यूज़ करना भी एक तरह का फैक्टर है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का अर्निंग फैक्टर है, एक तरह का ये एजेंट का भी काम होता है। आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे दिया गया डेल क्रेडिट एजेंट, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट दिया गया डेल क्रेडिट एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी टू हुम ही सी सेल द गुड्स विल पे द सेल्स प्राइस ऑफ अ गुड्स। इफ अ बायर इज अनेबल टू पे आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, डेल क्रेडिट एजेंट इज लाइबल फॉर द पेमेंट। एजेंट गेट एडिशनल कमीशन अदर देन यूजुअल कमीशन फॉर दिस इज नोन एज डेल क्रेडिट कमीशन। तो यहाँ पे आपको बताया ये कॉन्सेप्ट कि डेल क्रेडिट एजेंट होता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा एजेंट है जो दोनों तरफ से अर्न करता है, लेकिन जहाँ से वो बाय होता है उसकी तरफ से अगर वो पेमेंट नहीं करता बायर, तो डेल क्रेडिट की गारंटी होती है पेमेंट करने की सेलर को, ठीक है। और या तो इसको हम एडिशनल कमीशन भी पे करते, या तो ये यूजुअल कमीशन ही अर्न करता है। तो ये हो गया आपका डेल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये याद रखना, डेल क्रेडिट कमीशन बाय की तरफ से पेमेंट करता है, उसको एडिशनल कमीशन मिलता है, और ये दोनों तरफ से अर्न करता है। तो बस आज के लिए इतना, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब से हम मैथ्स के लेक्चर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने OCM के लेक्चर स्टार्ट कर दिए, मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप फटाफट जाके वहाँ से OCM भी स्टार्ट कर सकते हो अपना। और ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद से अपना मैथ्स का प्रैक्टिकल वीडियो भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक, देन लाइक द बटन, एंड आपका फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देना ना भूलें। थैंक यू।